ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਸੈਟਰਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀ 1 ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਮੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਊੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਮਾਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈ ਜਾਇਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ठीक है बच्चे शुद्ध करो इजी ने पर कई बार बच्चे की करते ने एमसीक्यूज विच भी गलती कर देंगे ने ठीक है ना एमसीक्यूज विच भी पता है थोड़ा सोच समझ के आंसर लिख लो ओदे विच भी गलती करते ने क्लियर है सो राइट ऑप्शन एनीवन यस रमी मैम फोर्थ ऑप्शन No. Okay. First option. Okay. Ma'am, second option. हाँ जी, second. उड़े दिन आल. ठीक है, उड़ा खुला ओम. Right, रमी, ओम. ठीक है, ऐसा ना लेकिन थोड़ा नो क्वेश्चन आ सकते हैं. So ये दे अंडर आपा 5-7 क्वेश्चन कर दिया, फिर मैं थोड़ा अगली टाइप दस संगी की अगली टाइप किधर ही आ सकती है. ठीक है, so scoring. देखो जड़ी ग्रामर होंगी ना बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगी है और थोड़ा जो सिलेबस है नंबर ज्यादा ने ग्रामर के ही नंबर ने ठीक है सो ग्रामर नो जिन्नी प्रैक्टिस हो सकती है उन्नी ही घट ठीक है नेक्स्ट लिख लो जी ऑप्शन पाए जाए बेटा 1, 2, 3, 4 ठीक है एनक राइट Which one is correct? Ashpreet. Okay. Yes. Ma'am, third option, Anak. Okay, ठीक है दिया. Third option, Anak. ठीक है. Next, third question. हर एक रूल दे नाल आपां कर लैणे ठीक है. Next लिखो जी. दूंगा. ठीक है राइट ध्यान नाल देखो कॉपी ते लिखो उसके बाद भी दसो केड़ी ऑप्शन सही हो सकती है हाँ जी अर्शप्रीत मैम फोर्थ ऑप्शन हाँ जी गुड फोर्थ ऑप्शन दूंगा कक्के की जगह आप कग्गा लिखना है ठीक है Done. Next. Kehna.
हाँ जी देखो यस इवा मैम ए ऑप्शन हाँ जी गुड फर्स्ट ऑप्शन कहना सिहारी लगेगी ये बेटा मैं थोड़ा त्यां तां करवांदी पिया क्योंकि एक तो तुसी ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दे हो ठीक है ओ सारे मिस्टेक ए दे करके दूर हो जाने हैं ठीक है कौन जेडी जो तुसी कॉपी चेकिंग करोगे ना कॉपी भेजोगे मैं करांगी सॉरी चेकिंग ठीक है तो ओदे विच ना मैं कॉमन मिस्टेक्स नु ना मैं नोट डाउन करूंगी कॉपी ते फिर आपा कॉमन मिस्टेक्स जेडी ने आपा क्लास विच डिस्कस करांगे ठीक है ता कि कई बच्चा दी हुंदियां ने कई बार इदां हुंदा है बच्चा लिसन कॉपी चेकिंग करदे टाइम कुछ गलतियां रह जांदियां ने वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान नाल करती हूं ठीक है बट कई बार ऐसा हो जाता है ठीक है कि सियारी बिहारी की गलती फिर आप कॉमन मिस्टेक्स नू करया करांगे ठीक है डिस्कस करया करांगे क्लास विच के बच्चे ए वाले आंसर नू तुसी एदा लिखना है या बच्चे नू पूछ सकदी हां कि ए वाले वर्ड नू तुसी किदा लिख सकदे हो ठीक है राइट आप हुण मतलब कि देखो जेड़ा ये चैप्टर्स ने वो आप कंप्लीट कर लेने हुण असी अपनी थोड़ी राइटिंग वाल थोड़िया मिस्टेक्स वाल ध्यान देना है ठीक है ताकि उन्होंने भी इंप्रूव कर सको क्लियर नेक्स्ट है जी चढ़ना ठीक है ऐसा दूसरा आ तो बिना फिर क्लियर देखो यस लवलीना मैम फर्स्ट ऑप्शन ठीक है फर्स्ट ऑप्शन चढ़ना ह भी नाल आएगा ठीक है ह दी साउंड आ रही है इथे ह दी साउंड नहीं आ रही नन्ना लिखना है आपा नाना नहीं लिखना ठीक है क्योंकि र तो बाद विच ऑलमोस्ट नन्ना ही आंदा है नाना कभी नहीं आंदा ठीक है डन पांच हो गए सब दे नोट कदम आ रहा फर्स्ट टू में कर रही हूं सिक्स ओके एदे विच भी कई बारी तुसी मिस्टेक कर देंदे हो सी स्पेलिंग देखो क्लियर बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे शुद्ध करो है इजी है यस रमनी हां जी रमनी ओके यस अर्चिता मैम थर्ड ऑप्शन ठीक है जी ठीक है थर्ड ऑप्शन आया हम देखो कई बार तुसी स्पेलिंग लिख दे हो आया दे तुसी आया आया लिख दे रहंदे हो ठीक है वो चीज नहीं लिखनी आया ए दी अच्छा जे नो कई कोई भी विदाउट हेजिटेशन अगर किसी ने कुछ ये ना होवे कि मैं पूछ लूंगा तो शायद पता नहीं क्यों है ना क्लासमेट्स मेरे हसेंगे जिन्हें ना इन छोटियां छोटियां चीजा नहीं मात्रावां दी भी है नहीं नॉलेज वो भी मैंने पूछ सकता है ठीक है कि ये वाली मात्रा आप कदों लगाने हैं क्योंकि काफी बच्चों की सियारी बिहारी के बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना सो वो अगर किसी ने भी कभी भी अज नहीं फिर कभी अगर पूछना हो तो मैंने पूछ सकता है ठीक है मैं दस दवांगी ओदे विच हेजिटेशन नहीं करनी कोई भी डाउट होवे पूछना जरूर है बच्चे अगे देखो नेक्स्ट मंदिर मंदिर यस अश्मित अश्मित मैम सेकंड ऑप्शन ऑप्शन ठीक है जी गुड सेकंड ऑप्शन राइट और देखो कई ऐसा देने जिन्हें विच ऑप्शन नंबर डालने
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰਸ ਡਾਲ ਲੇ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਆਸਥਾ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਓਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਨ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੇ ਬਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਯੈਸ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ Yes, ma'am. Ma'am, second option. Yana dekho. Ma'am, third option. Bindi. Haanji. Third option. Kyun? Kyunki dekho, bindi pahi hui hai. Main tuhanu dassa si na, ke kai akhar idda de ne, jinna nu bindi pahindi hun. Jidda apan khargosh nahi bolde, apan bolde khargosh. Oh, soft ji tone di na. Kha te khakhe nu bol ke dekho, right? So, bindi hai ithe. Inu sound edi pick karo. So, third option. ਰਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਫਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਇਵਾ ਮੈਮ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਭੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
लिखो आओ जी जी आया नू ठीक है इस तरह सेकेंड ऑप्शन आओ जी जी आया मतलब थानू सही वाली पता होनी चाहिए है ऑप्शंस का चाहे जड़ी मर्जी पूछी जा सके ठीक है नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्लियर है फोर्थ आपा ना वाक रूप विच ना आपा सिर्फ दो दो लिख लेने हैं ठीक है चार चार ऑप्शंस नहीं कर दे पर पेपर विच सानू चार चार ऑप्शंस ही आंदियां ठीक है आपा कॉपी उत्ते सिर्फ दो दो लिख लेने हैं क्लियर है दो लिखा कि चार लिखा दो लिख देवा ठीक है ओके सो चलो चौथी रहन दने आपा इन ठीक है हुन तुसी मेनू एदे विच दसना है केड़े वाला चौथा ते रह गया एक मिनट रुको करेक्ट वाला एक नु तुसी चार ऑप्शंस विच कर लो बाकी चाहे तुसी दो दो लिख लो ठीक है तो विच वन इज करेक्ट यस दिया मैम फोर्थ ऑप्शन ठीक है जी आओ जी जी आया नु ठीक है इथे औंकण लगा होया है आओ नहीं आपा बोल दे राइट सो ए वाला होएगा जी जी आया नु क्लियर है सेकंड क्वेश्चन लिखो जी अंदर ऑन ए ठीक है अंदर ऑन ए यस अर्चिता मैम सेकंड ऑप्शन ठीक है जी सेकंड ऑप्शन अंदर कौन है ठीक है ऐसा आ गया स्पेलिंग ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन विद्या कीमती है या विद्या कीमती है यस दिया हम सेकंड ऑप्शन हां जी सेकंड ऑप्शन सी सिर्फ अद्दक दा फर्क है इन आपा बोलदे विद्या ठीक है जदों स्ट्रेस पेंदा है अद्दक दा स्ट्रेस पेंदा उदों आपा बोलदे विद्या राइट कौन ए दा मोटिव की है थाने वाले करवांदा कई बारी बच्चे की करदे ने ओ की करदे ने जिथे दिल आंदा उथे अद्दक पा देंदे ने ठीक है अद्दक हमेशा उथे पेंदा है जिथे स्ट्रेस आंदी है ठीक है ना मतलब मान लो कि आपा दो अक्षरां दी साउंड कढ़नी होवे जिस तरह आपा बोलदे पत्थर ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪੱਥਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਇਆ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤ ਅੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਕ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਵੇ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਵੀ ਅੱਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ
ये गलत होएगा। हम देखो कई बार की होता है कि जिस तरह मैं कहा कि अध्यापक ने कहा के, काफी बार इदा के वर्ड्स आ जाने उसने कहा के, ठीक है, जिस तरह आप कहने हाँ कवि ने इस विच संदेश दिता है के, ठीक है ना। हम कई बार बच्चे की करते ने संदेश दिता है के, वो ये पा देते ने ये गलत है, ये तो की है क्वेश्चन वाला वॉट है ना। उन्होंने बोलिया कि कवि ने संदेश दिता है के कके नू सिहारी वाला पाओ, राइट। ए फिलहाल जिन्या मैनू याद आ रही ने लोनी होनी थानू दस रही हाँ के एदा वाला पाओ। जब किसी का आप डायलॉग बोलना होने कहा या कुछ ने कहा फिर आप कके सिहारी पाने, जो कि आप क्वेश्चन पुट करते हाँ फिर आप कके बिहारी पाने, ठीक है। हम जिस तरह आप लिखा वहमीत आया पढ़िया, हम दो तीन बच्चे ने किया है उन्होंने वहमी ताया लिखा है, वहमी ए वहमी नहीं होया इता गलत होया, ठीक है। सो हनु सिहारी वहमी, राइट, ओके। नेक्स्ट लिखो जी थर्ड, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ, फोर्थ खुश रहो गम ना करो, ठीक है। आगे आ गया खुश रहो गम ना करो, इन्हें तीन लिख लो, मैं तुम दस दी क्यों तीन लिखा रही हूं मैं। आगे लिख लो खुश रहो गम ना करो, ठीक है। ये नहीं ऑप्शंस, राइट। उधर विच्छो तुसी देखना है सिर्फ किते ना किते एक दी प्रॉब्लम आ रही है और तुसी दसना है कि किते वो चीज गलत है, ठीक है। यस रमनी मैम थर्ड ऑप्शन कितना मैम बिंदी लगेगी, ठीक है गो के पैरी, ओके गुड। ए वाला नहीं आएगा बच्चे, ये गलत है क्योंकि इतने गग्गे दे पीछे आपा गम नहीं बोलना, आपा बोलना गम, ठीक है। बिंदी दी साउंड आ रही है गम, राइट, बोलने दे पीछे हमेशा, ठीक है। सो थर्ड वाली सही होएगी, राइट। नेक्स्ट इधर अंडर आपा पांच क्वेश्चन ही करांगे, क्लियर है। ऐसे साडा रह जाएगा कोई गल नहीं, आपा ऐसे कल कर लवांगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो बाहिर मी पै रिहा है, और सेकंड लिखो बाहर मी पै रिहा है, एक और लिख लो बाहर मी पै रिहा है। हाँ जी लवलीना मैम सेकंड ऑप्शन, ध्यान ना देखो लवलीना मैम थर्ड ऑप्शन, हाँ जी थर्ड 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 राइट, ये बिंदी नहीं है, ओके। इहदे विच तां आपां सिर्फ ला पाई है, ला नहीं आपां पांदे, आपां की पांदे हाँ सिहारी, राइट। सो बाहर मी पै रिहा है, क्लियर है जी। या बच्चे थानू ए आ सकता है, ए ता हो गए कि शब्दां वाले भी आपां कर ले, वाकां वाले भी कर ले, ठीक है। वाकां वाले बहुत सारे ने, मैं थानू फिर कभी करवावांगी, क्लियर है। तो एक आ सकता है ब्लैंक दे विच, ठीक है, तीसरे तरह दे नाल आ सकता है ब्लैंक विच। थर्ड ईडी अगर तुसी किता है उन्हों सही
शुद्ध शब्द करो, ठीक है, सही शुद्ध शब्द करो, राइट। सो ओदे विच आ सकता है डैश ने रोटी खाधी, ठीक है, डैश ने रोटी खाधी। सो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए ने, हां जी अर्शप्रीत मैम सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी सेकंड ऑप्शन, मुंडे ने रोटी खाधी। ठीक है, एदे विच भी ओही कि तुहानू शुद्ध शुद्ध आने चाहिए ने, तुहानू रूल्स आने चाहिए ने, क्वेश्चन जिथो मर्जी पुट हो जाए, ठीक है ना। सो एदे अंडर सेकंड लिखो, डैश विच रंग कराओ, ऑप्शंस दुकान, सेकंड दुकान, थर्ड फोर्थ Yes, Eva? Ma'am, A option. ठीक है जी, दुकान, राइट, दुकान विच रंग कराओ। क्लियर है बेटा, एने ही कर लवांगे अज आपां, ज्यादा नहीं करते, ठीक है। सो इन्हें तुसी अपनी कॉपी उत्ते लिख लो, या मैं थानू दस्या सीगा कि अपनी असाइनमेंट नोटबुक अलग लगाओ या फेयर ते ही कर लो, ठीक है। और जिहड़ा साडा ग्रुप बनिया होया उहदे विच मैं रैंडमली पूछ सकदी हां कि केड़े केड़े, सपोज मैं कहता कि रोल नंबर 16, रोल नंबर 18 अपनी कॉपी सेंड करो, ठीक है। फिर तुसीं सिर्फ असाइनमेंट वाली कॉपी अपने ग्रुप विच सेंड करनी है, जिहड़ी तुसीं बाकी क्वेश्चन आंसर्स लिखदे हो कदी भी ग्रुप विच सेंड नहीं करने, वो मैनूं पर्सनली सेंड करया करो, ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट वाली कॉपी, राइट। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स किसी बच्चे ने, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा, एक्सट्रा लिखे हुंदे ने, सो वो कॉपी ना हो जाए, इसलिए सिर्फ असाइनमेंट वाली, ए वाली, या आपा पहला कीता सी वहमी ताया दे क्वेश्चंस, ओ वाली असाइनमेंट, ए वाली असाइनमेंट, ठीक है। कभी भी मैं थोड़े को हर एक सैटरडे दे सैटरडे या थर्सडे दे थर्सडे मैं थोड़े को मंगवा सकती हाँ, ठीक है जी, ओके। तो किसी का कोई डाउट होए किसी का तो पूछ लो। हाँ जी अश्मित, मैम मीत ते मैम बिंदी आती है केदे विच, मैम मी नींद मी पै रहा है नींद, हां जी आंदी है नींद बिहारी, मम्मी सॉरी मम्मी पै रहा है, मी पै रहा है, ओके हां आंदी है जी, आंदी है बिहारी नु आंदी है मी, ਆਪਾਂ ਮੀ ਮੀ ਨੀ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਮੀ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਮਿਤ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 8th ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।